डिलीशियस भोजन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आजकल आम का सीजन चल रहा है और आज मैं कच्चे आम का गुरम्मा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे लोग लौंजी या चटनी भी कहते हैं। ये रेसिपी बहुत ही चटपटी और स्वादिष्ट होती है। इसे रोटी पराठे के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। इसे आप बनाकर 6 महीने तक स्टोर करके रख सकती हैं और जब चाहे निकालिए और खाइए। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 2 कच्चे आम लिए हैं, उसे धोकर अच्छी तरह से छील लिया है और उसके पतले पतले इस तरह के पीसेज कट कर लिए हैं। आप जैसा चाहे वैसा मोटा या पतला इसे काट सकती हैं। अब गैस पर कढ़ाई रखेंगे, इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे और 5 फोरन डालेंगे, लाल मिर्च या हरी मिर्च डालेंगे और जब फोरन चटकने लगे तो इसमें कटे हुए आम डाल लेंगे और इसे लो फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेंगे। इसे आप ढक कर भी भून सकते हैं। जब ये अच्छी तरह से भून जाए तो इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक डालने से ये और अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। जब अच्छी तरह से भून जाए तो इसे किसी दूसरे बाउल में निकाल लेंगे और इसे साइड कर देंगे। अब कढ़ाई में गुड़ डालेंगे और 1/2 कप पानी ऐड करेंगे जिससे वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। इसे चलाते हुए अच्छी तरह से गर्म करेंगे। देखिए ये पिघलने लगे हैं, इसे चलाते रहना है। अब इसमें उबाल आ चुका है और ये गाढ़े भी होने लगे हैं। इसे जैसा आप गाढ़ा चाहते हैं उस तरह से इसे गर्म करेंगे। किनारे से जो झाग जैसा आ रहा है उसे किसी चम्मच से निकाल करके हटा देंगे। इस तरह से इसे निकाल कर अलग रख देंगे या फेंक देंगे। जब ग्रेवी अच्छी से गाढ़ी हो जाए तो इसमें आम की कैरी डाल देंगे और इसे भी गुड़ के साथ कुक होने देंगे। बीच बीच में इसे चलाते भी रहेंगे, धीरे धीरे लो फ्लेम पर इसे कुक करेंगे। गुड़ में डालने के बाद आम की कैरी भी अच्छी तरह से और कुक हो जाएगी और गुड़ तो खाल गाढ़ा होगा ही जैसा आप चाहते हैं। कुछ मसाले ऐड करेंगे। मैंने पहले ही इसमें जीरा मिर्च लाल मिर्च को भूनकर उसे पीस लिया है। उसमें काला नमक ऐड करेंगे और इसे इस गुरम्मा में ऐड कर लेंगे जिससे ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटी लगती है। इसे आप रोटी या पराठे के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स, यदि रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू।